हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन क्लास 6 केमिस्ट्री क्लास। आई एम अनुजा श्रीवास्तव एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द रेस्ट ऑफ द सेपरेशन टेक्निक्स। इन प्रीवियस वीडियो आई हैड स्टार्टेड अबाउट द सेपरेशन टेक्निक। सो फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक जो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज द फिल्ट्रेशन। सो वॉट इज फिल्ट्रेशन एंड वेयर दिस टेक्निक इज यूटिलाइज? So it is separating insoluble component suspended in liquid using filter. दैट मीन्स जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं, लिक्विड में मिक्स होते हैं, उन्हें हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सो लुक एट दिस एपरेटस, वी कैन यूजिंग अ फिल्टर। नाउ फिल्टर, इट मे बी फिल्टर पेपर, फिल्टर का एज अ फिल्टर हम फिल्टर पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ स्ट्रेनर, वी कैन ऑल्सो यूज़ सीव, हम इनमें से किसी भी चीज़ को एज अ फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ एक फिल्टर पेपर है, राउंड शेप का होता है, उसको कोन शेप में बना करके हम बीकर पे लगा देते हैं और दिस इज़ द मडी वाटर, ये मडी वाटर है। नाउ अब इसको सेपरेट करना है तो मडी वाटर इज़ गोइंग टू पोर इन टू दिस फिल्टर पेपर। जो मड है दैट इज़ गोइंग टू रिमेन इन द फिल्टर पेपर, मड जो है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगी और जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो छन के क्या होगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स द लिक्विड विच सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर, जो लिक्विड सेपरेट हो जाता है मिक्सचर से, उस लिक्विड को हम कहते हैं फिल्ट्रेट। द लिक्विड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, दैट लिक्विड इज नोन एज अ फिल्ट्रेट। एंड द इनसॉल्युबल कंपोनेंट, द इनसॉल्युबल कंपोनेंट विच रिमेन इन द फिल्टर, जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट फिल्टर में रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। योर मदर इज गोइंग टू मेक द टी एंड व्हेन द टी इज इज गोइंग टू फिल्टर बाय द स्ट्रेनर, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। द टी लीफ रिमेन इन द स्ट्रेनर एंड द क्लियर टी इज गोइंग टू पोर इन टू द कप। Now the second process is the sublimation. And what is sublimation? As I told you previous, it is the process in which the solid is directly converted into the gaseous state. Solid is directly converted into the gas without forming the liquid state. Liquid state बनती ही नहीं है, direct क्या हो जाता है, gas में convert हो जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन, हम सब्लिमेशन के थ्रू कैसे किसी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? सो दिस इज द एपरेटस फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। नाउ लुक एट हियर, बट जब ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे तो वंस सब्सटेंस इन द मिक्सचर, मतलब मिक्सचर में एक सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें सब्लिमेशन हो सकता है, जो सब्लिमेशन प्रोसेस को अप्लाई कर सकता है। सो हियर आई हैड टेकन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लाइम कंपोनेंट। नाउ अब क्या किया, इस हीटिंग डिश में इस मिक्सचर को रखा जिसमें सैंड और अमोनियम क्लोराइड है और इसको एक ट्राईपॉड स्टैंड पे रखा और यहाँ बंसन बर्नर लगा करके इसको हीट किया। इसके ऊपर एक फनल रख दी इन्वर्टेड उल्टी करके और फनल के टिप पर कॉटन प्लग लगा दिया। नाउ एज इट स्टार्टेड हीटिंग, जैसे इसको हीट देना शुरू किया तो जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक सब्लाइम सब्सटेंस है, ये सब्लिमेट होने लगेगा, दैट मीन्स इसमें से वेपर निकलने लगेगी। ये देखिए जो वेपर निकल रही है दैट इज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जैसे ही वेपर निकली तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, वो सब्लिमेट हो गया, वेपर निकली। अब यहाँ क्योंकि कॉटन प्लग लगाया हुआ है तो वेपर क्या हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्केप फ्रॉम द कीप फनल, सो दैट इट इज़ गोइंग टू कलेक्ट एज द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द नेक। ये यहाँ पर कलेक्ट हो गई और सैंड क्या हो गया, इस डिश में रिमेन रह गया। दैट मीन्स सैंड और अमोनियम क्लोराइड दोनों क्या हो गया, सेपरेट हो गए बाई यूजिंग द सब्लिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज द इवेपोरेशन। You also already knowing about the evaporation. Evaporation is this, it is the process
of changing substance, process of changing liquid state to gaseous state, liquid state to gaseous state below boiling point. Now that means, अब यहाँ क्या हो सकता है, suppose you had taken salt water, salt plus water का solution है, that means salt completely dissolve in the water. अब क्या करेंगे, इस salt water को evaporate होने के लिए, heat करने के लिए रख देंगे. As the salt water solution is going to heat up, so slowly slowly complete water is going to evaporate. वाटर क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा और लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट, और सॉल्ट क्या हो जाएगा, रिमेन रह जाएगा. बाय यूजिंग दिस इवेपोरेशन प्रोसेस द सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी. नेक्स्ट प्रोसेस इज द क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट प्रोसेस इज द क्रिस्टलाइजेशन. So what is crystallization? So first thing, what is crystal? Crystals are fixed solid with fixed geometrical shape. Solid with fixed geometrical shape. Now this process, this crystallization, it is also resemblance with the evaporation. कहीं ना कहीं ये process भी evaporation से resemblance करती है, और इसे हम कहते हैं controlled evaporation. It is known as a controlled evaporation, and by this process we can obtain the crystals of that component from the mixture. Now suppose the solution had taken, aapne solution le liya, that solution of sugar and water. Sugar aur water ke solution ko aapne kya kiya, heat karna shuru kiya. As this sugar and water solution is going to heat up, that means the water is going to evaporate. Dheere dheere water kya hone lagega, evaporate होने लगेगा. Now when you see very little solvent left, जब evaporation होते होते बहुत कम amount में solvent बच जाए, तब इसको क्या करना है, slow कर देना है. और slow होने के बाद क्या होगा, जो उसके अंदर सॉल्यूट मिक्स था, दे आर गोइंग टू कूल डाउन, वो धीरे धीरे ठंडा होकर के क्या करेगा, दे आर गोइंग टू फॉर्म द क्रिस्टल. धीरे धीरे उसके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे. और व्हेन द क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन द डिजायर्ड साइज, जब क्रिस्टल्स आपके डिजायर्ड साइज से के हो जाएं, तब उस क्रिस्टल्स को हम क्या करेंगे, उस लिक्विड में से निकाल लेंगे. और जो लिक्विड उसके अंदर बसता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं मदर लिक्कर. दैट मीन्स मदर लिक्कर से हमने क्रिस्टल को ऑब्टेन कर लिया. नाउ द शुगर कैंडी, दैट मीन्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिस्ट्री, जो आप घर में मिस्ट्री खाते हैं प्रसाद में, दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन बाई द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द मैग्नेटिक सेपरेशन. Now, what is the magnetic separation? Here, in this process, what is going here? Separation of magnetic components of a mixture by using the magnet. That means non-magnetic substance or magnetic substance को हम separate कर सकते हैं by using the magnet. जब magnet होगा तो what it the magnet will do? इट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस, वो सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर लेगा, और जितने भी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमेन रह जाएंगे. दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन सेपरेट द मिक्सचर. ऑल द आयरन स्क्रैप इज ऑल्सो सेपरेट बाय दिस मैथड, एंड वी कैन ऑल्सो सेपरेट द आयरन फिलिंग. आयरन फिलिंग
can also be separate from the can be separated from sulfur. That means sulfur और iron filling को हम magnetic separation के through separate कर सकते हैं. So this is all about the today's topic and this is the last topic of this chapter. In next video we will meet with the next chapter. Till then, bye bye, thank you.